कृषि विभाग विक्रय केंद्र हमीरपुर में किसानों को बीज न मिल पाने के कारण उनमें गहरा रोष पनप रहा है। किसानों को दिन भर केंद्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल के बीजने का समय भी हाथ से निकलता जा रहा है। हमीरपुर जिला के कृषि विभाग के विक्रय केंद्र में किसानों को वर्सिन, जोही व लहसुन के बीज नहीं मिल रहे हैं, जबकि किसानों को 10-10 किलोमीटर दूर से बीज खरीदने के लिए यहां आना पड़ता है, पर विक्रय केंद्र में बार बार चक्कर काटने पर भी उन्हें बीज नहीं मिल पाते हैं। किसानों को बीज नहीं मिलने पर गहरा रोष है। वहीं फसल के बीजने का समय भी किसानों के हाथ से निकलता जा रहा है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार बार बार किसानों को अच्छी सुविधा देने की बात करती है, पर हमीरपुर में वह सभी वायदे असफल होते नजर आ रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या नहीं है, बोला कि सोमवार को आ जाएगी। अच्छा, सोमवार या मंगलवार को आ जाएगी। अच्छा। और आज जो बीज है बोला वो मैं ले चला। तो एक लहसुन की लहसुन नहीं मिला और साथ में जोई और तोरिया, ये तीन चीजें नहीं मिली। सेल्समैन कृषि विक्रय केंद्र हमीरपुर का कहना है कि अगले सोमवार या मंगलवार तक बीज किसानों को मिल पाएंगे। सेल्समैन ने कहा कि अभी तक हमारे पास जो बीज उपलब्ध है वे किसानों को दे दिए जा रहे हैं। आज की क्या समस्या है, जोयर बरसीम जो है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, उसका सैंपल हो चुका है और अब सप्लाई ऑर्डर होते ही अगले हफ्ते किसी भी समय पहुँच सकती है। बता दें कि कृषि विभाग के विक्रय केंद्र में विभाग द्वारा सस्ते दामों पर बीज किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाती है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवदीप पत्ता की रिपोर्ट।